हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना करो। उसने कई मरतबा ये सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने हर बार फरमाया कि गुस्सा ना करो। ये जिस्म ओ जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। यार आसमीन जाके चेक करो यार, कहाँ रह गई है? आ जाएंगी भाई। आ जाएंगी क्या मतलब यार, तो 10 मिनट से हाफ फ्राई रखा हुआ है, ठंडा हो गया है यार, जीभ लड़की है ये। सॉरी मैं लेट हो गई, तैयार हो रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा नहीं, काफी लेट कर दिया तुमने, सारा नाश्ता ठंडा हो गया यार। I'm sorry. तुम्हारे सॉरी करने से नाश्ता गर्म तो नहीं हो सकता ना माँ? लाए मैं गर्म कर दे। Oh, come on यार माँ, senseless बातें मत करो यार। हाफ फ्राई अंडा कैसे गर्म किया जा सकता है? It's okay भाभी, आप आई ना, आप बैठे। वैसे भाभी क्या चाय बनाई है आपने भाई, वाह। थैंक यू। अरे भाभी थैंक यू तो हमें आपका कहना चाहिए, क्योंकि जब से आप इस घर में आई हैं अब कम से कम हमें अच्छा खाना तो नसीब होता है, वरना आपसे पहले तो पूछे ही मत क्या हाल था। क्यों भाई? नाश्ता तो खत्म कर लें। खा लिया मैं। अरे भाभी आप तो अपना नाश्ता कीजिए। नहीं बस मैंने भी खा लिया। रिलैक्स भाभी, टेक इट इजी। भाई ना थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। महा महा, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? महा इधर आओ। क्या हो गया मास? क्या ये सब किसी भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ इंसान रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जानवर बसते हैं। बड़े कल्चर्ड बने फिरते हैं तुम्हारे माँ बाप। माँ इस बात के बीच में मेरे माँ बाप कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे वो बीच में? हाँ क्या ये तरीका सिखाया तुम्हें? आपको जो कुछ बोलना मुझे बोलिए, मेरे वालिदैन तक मत जाइए। ओ तो तुम मुझे धमकी दे रही हो?
आपको धमकी नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वरना क्या कर लूंगी, बोलो। बस छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे, हवा दे रहे हैं। अपनी गलती मानने की बजाय सबसे बहस कर रही और बात मैं बढ़ा रहा हूँ। मुझे छोड़ दें, दर्द हो रहा है। कोई मुझसे बदतमीजी या बहस करे मेरा खून खौल जाता है। अभी और इसी वक्त सॉरी करो मुझसे, वरना वरना क्या मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। क्या भाभी, आज मेरा ऑफ था, सोचा आपसे बैठ के गपशप होगी और आप यहाँ कमरे में बंद बैठी हैं। नहीं, बस ऐसे ही मूड नहीं हो रहा था। भाभी आप कहीं रो तो नहीं? नहीं, आओ बैठो आसन। भाभी आपकी आंखों से लग रहा था। चलो बैठो। भाभी अगर आप किसी और वजह से परेशान है तो ठीक है, लेकिन इस परेशानी की वजह अगर भाई है तो प्लीज परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भाई है ना, वो एक हीरा आदमी है, बस थोड़े असूली और गुस्से के तेज है। थोड़े से? थोड़े ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। मास को बहुत गुस्सा आता है हसन। जानता हूँ भाभी, इसलिए तो कह रहा हूँ आप बस थोड़ा सा मोहतात रहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो हमारे भाई है ना, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, और अगर उनको वो ना मिले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आप समझिए ना मेरी बात। नहीं प्लीज़ आसम, मुझे ठीक से समझाओ, मास को इतना गुस्सा क्यों आता है? कोई तो वजह होगी ना। क्यों आता है भाभी पता नहीं, बट शायद उनका नेचर ही ऐसा। क्या मास को हमेशा इतना गुस्सा आता था? वैसे तो भाभी भाई ना बचपन से बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मजा ले उनकी कोई चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए। He wants everything perfect. और जब ना मिले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मगर आसन, जिंदगी में हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं मिलती ना। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई को कोई स्पेसिफिक रीज़न चाहिए लड़ाई करने का, बस कोई भी इशू उठा लेते हैं लड़ने के लिए। और देखा नहीं था पूरी शादी किस टेंशन में गुजरी है हम सबकी, सिर्फ मास के गुस्से की वजह से। सही कहती हैं बाकी। मुझे ना बहुत डर लगता है मास के गुस्से से। आपको पता है अम्मी भी बिल्कुल सेम बात कहती थी। गुस्से में इंसान कभी अपना भला नहीं करता, इसीलिए तो हमारे मजहब में कहा गया कि गुस्सा हराम है। वो तो ठीक है, लेकिन भाभी अब आप आ गई हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? भाई को बदलने की कोशिश? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्यों नहीं ठीक कर सकती भाभी? भाई जो है ना दिल के बुरे नहीं है, बस थोड़ा गुस्से के तेज है। और भाई का जो गुस्सा है ना भाभी, वो ना झाग की तरह है, यूं बनता है और यूं घुल जाता है। तो आपने प्लीज उदास नहीं होना, आप समझिए ना मेरी बात। मगर गुस्से में जब इंसान कोई बातें करता है ना, तो सामने वाला इंसान कभी नहीं भुला सकता। टेक इट इजी भाभी, आप मेरे से शर्त लगा लें, आज भाई ऑफिस से वापस आएंगे और सुबह की सारी बातें भूल चुके होंगे। आप मेरी बात समझ गई ना भाभी? मैं समझाता हूँ आपको।
एक होती है चाय की कप, उसमें आप डालें आधा चम्मच चीनी, भाई को पूरा 2 चम्मच गुस्सा आ जाएगा। भाभी आपके मूड को कैसे ठीक किया जाए? ठीक है मेरा मूड। भाभी अगर आप अपने चेहरे को आईने में देखेंगी ना तो आप भी कहेंगी इसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम तो कहते हो तुम्हारे भाई का गुस्सा झाग की तरह है, सुबह से शाम हो गई है, एक कॉल नहीं की तुम्हारे भाई ने। ये तो गलत बात है, लेकिन हो सकता है बिजी हो गए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आ गई कॉल भाभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हूँ। जी नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तो आपको कॉल नहीं कर सकी ना। जी कुछ नहीं, बस किचन में काम कर रही थी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। रूठे हो तुम को कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। आसिम बदतमीजी मत करो। वैसे भाभी बहुत गलत बात है, हम यहाँ 1 घंटे से बैठ के आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मजाल है आपने एक फेक स्माइल भी दी और पिया जी की एक कॉल ने जादू कर दिया। हाँ क्योंकि वो पिया जी की कॉल थी इसलिए। तो फिर क्या कहते हैं पिया जी? कह रहे थे आज ऑफिस में काम बहुत था इसलिए कॉल नहीं कर सकते। और कह रहे थे कि मैं तो बिजी था, तुमने भी कॉल नहीं की। और ये कि मुझे आज डिनर पे लेके जाएंगे। कुछ और भी तो कहा था उन्होंने? बस और तो कुछ नहीं कहा। और वो जब आपने उनको मीटू बोला? आज बच्चे मार खाओगे तुम मत से। भाभी भी बच्चे होए कहाँ हैं, जब होएंगे तो उनको भी मार लीजिएगा। और वैसे चूंकि आप पिया जी के साथ डेट पे जा रही हैं तो हम गरीब के लिए भी घर पे कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिएगा। क्यों तुम हमारे साथ नहीं जाओगे डिनर पर? नहीं भाभी, हमें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी वो हमारे कॉल का इंतजार करेगी। ओह अच्छा, तो बात यहाँ तक आ गई है। वो भी है, इसका मतलब है कि अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाभी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा मैं जा रही हूँ। रूठे हो तुम को कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। रखना भरम मोला। जी जनाब, कैसा लगा आपको डिनर? बहुत मजे का था। एम्बियंस, फूड, एवरीथिंग वाज सो नाइस। इतना मजा आया मुझे, इसलिए तो मैं तुम्हें वहां लेकर गया था। अगली दफा जो है नई जगह ट्राई करूंगा। आई एम श्योर कि तुम्हें वहां का खाना अच्छा लगेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो? सोच रही हूँ कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, मूड खराब होता है तो बुरा लगता हूँ ना? बुरे तो आप मुझे कभी भी नहीं लगते। एक बात कहूँ? बोलो। आप गुस्सा ना क्या करें। क्यों? मुझे डर लगता है। किस बात से? कहीं आप गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। यार आजकल मैं थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्यों? एक बंदा मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा है। धमकियां दे रहा है? मगर क्यों? है एक प्रॉपर्टी का मसला। क्या मसला? तुम अभी रहने दो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कभी बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मगर मुझसे वादा करें कि आप अब गुस्सा नहीं करेंगे।
यार महा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ अपने गुस्से को, लेकिन ये मुझसे नहीं होता यार। क्यों नहीं होता? होगा, आप ट्राई तो करके देखें। कहते हैं कि जब गुस्सा आए ना तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। जब किसी को गुस्सा आता है तो ये किसको याद रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है। कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैंने सुना है कि अगर गुस्सा आए ना और आप खड़े हो तो बैठ जाए, और अगर बैठे हैं तो आप लेट जाए। सच कह रही हूँ मास, पता है मुझे लगता है कि एक दिन कहीं आपका गुस्सा सब कुछ खत्म ही ना करता है। जैसे कि हमारा रिश्ता। अरे यार डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, सुबह देर हो रही, सो जाओ, चेंज कर लेता हूँ जरा। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा फराज। क्या ऐसा कहा है उसने तुमसे? अगर उसने ऐसा किया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकेगा, जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फराज। ओके ओके बाय। हाँ क्या हुआ, क्या कह रही थी आंटी? रात को खाने पे बुला रही थी, कहती आसिम को भी साथ ले आना। ठीक चलेंगे। आप किससे फोन पे बात कर रहे थे? क्या तुम सबको जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो किससे बात कर रहे थे? क्यों, मैं पूछ भी नहीं सकती। नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि हर वक्त मेरी कोई इंक्वायरी करे। बीवी हूं मैं तुम्हारी और मेरा पूरा राइट है। नहीं, राइट है तुम्हारा महा। मेरी माँ ने मुझसे आज तक सवाल नहीं पूछे। हाँ क्या हुआ फराज? क्या उसकी इतनी हिम्मत? उसे उसे बोल वहीं रोक, वहीं रोक। अगर अपने बाप की औलाद है ना, मैं उससे आकर बात करता हूं अभी। आज या तो वो नहीं है, मैं नहीं, वहीं रोक, मैं बाकी बात करता हूं। मास 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 आसिम आसिम क्या हुआ अभी? आसिम जी भाभी। आसिम तुम्हारा भाई। क्या हुआ भाई को? भाई को कुछ नहीं हुआ, मगर वो बहुत गुस्से में घर से निकला है। अरे भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। आसिम तुम्हारे भाई का गुस्सा नॉर्मल नहीं था, उनका किसी से झगड़ा हुआ, मुझे लगता है कि वो इसी वजह से गया। भाभी रिलैक्स, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम कैसे भाई हो आसिम? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मास का गुस्सा नॉर्मल नहीं था, वो बाहर किसी से झगड़ा ना कर रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। भाभी मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। कैसे नई बात नहीं है? तुम क्या कह रहे हो, मेरी बात को समझो, प्लीज जाओ पता करो किधर है वो। ओके भाभी प्लीज रिलैक्स, प्लीज आप प्लीज मत घबराएं, ठीक है? आई विल चेक ऑन यू। प्लीज जल्दी जाओ। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना मौला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अम्मी। वो नहीं, आज हम लोग नहीं आ सकेंगे, वो दरअसल मास की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो मास को
स्टमक अपसेट हो गया है मास का। जी 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 अम्मी, जब मैं आऊंगी ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी एक दो दिन में, मगर आज हम नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। अच्छा अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। वापस आसिम, आसिम मास्क आए भाई, भाई का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और क्या आसिम, और क्या क्या हुआ है? भाई ने बंदे को गोली मार दी है। गोली मार दी है? गोली कैसे मार सकता है माज? बंदा बच तो गया है लेकिन 24 घंटे के लिए बहुत क्रिटिकल हालत में। क्या हाल आ रहा है? अब क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते भाभी, मैंने कुछ सोर्सेस से पता किया है, बस दुआ करें कि वो बंदा बच जाए। मास कहाँ है? भाई भी थाने में है, उन लोगों ने FIR कटवा दी है, लेकिन वो बंदा बच गया तो आई होप भाई जल्दी छुप जाएंगे। हमारे लॉयर्स इस पे काम कर रहे हैं। भाभी प्लीज आप मत डराइए, बस बाकी दुआ करें बंदा बच जाए, वरना सिचुएशन टफ हो जाएगी। हमसे प्लीज कुछ करो नमाज के लिए, प्लीज कुछ करो। अभी मैं लॉयर से बात करता हूँ, हम जल्द से जल्द भाई को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। नमाज को बचाए, उसकी जान बचा। अच्छा क्या आपने सरप्राइज दिया? बेटा मैंने सोचा तुम लोगों ने तो आने से मना कर दिया, खाना लेके मैं खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? क्यों मेरी जान, खाना तो मैं बना ही चुकी थी। मैंने सोचा चले इस बहाने माज का भी पूछ लूंगी, कहाँ है वो, कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है माँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्ट कर रहा है? जी नहीं, वो बाहर गया है फ्रेंड के साथ। अच्छा, वो एक्चुअली उसके दोस्त को एक जरूरी काम पड़ गया था तो जाना पड़ा। अच्छी बात है। ये बताओ आज खाना क्या बनाया तुमने? नहीं हमें वो कल जो बनाया था बस वो ही खा लिया। अच्छा मुझे याद आया, जो मैं खाना लेकर आई हूँ उसमें तुम्हारी पसंद की फिश लाई हूँ, जल्दी से खा लो। अभी नहीं हमें, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कल खा लूंगी। क्यों मेरी जान, फिश तो फ्रेश ही अच्छी लगती है ना, कल तक तो वो मजा ही नहीं रहेगा। मैं भी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। क्या हुआ है? मुझे परेशान दिखाई दे रही है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। माँ सच बताओ, माँ से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं अम्मी सब ठीक है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन सच बताओ मुझे माँ के गुस्से से बहुत डर लगता है। चाय पियेंगे आप? बना दूँ? नहीं कुछ भी नहीं पियूंगी। अब्बू ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, बस तुम्हें मिस करते हैं, याद कर रहे थे तुम्हें।
ये जिस्म जान से अजीज रिश्ते इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम मौला मौला, रखना भरम मौला मौला, तेरा करम मौला। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत तुझे रखे ना किसी गुमा में, सुपुर्द कर दे तो रब की चाहत है कामयाबी हर इम्तिहान में। माँ मास शुक्र है आप आ गए मास। इसमें रोने की क्या बात है, मैं आ गया हूँ ना, देख लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर डर गई थी कि आपको कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता। ये रोना तो बंद करो और कुछ अच्छा सा खाने को, तो मुझे बहुत भूख लगी। फ्रेश हो गया तो छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे, हवा दे रहे हैं। तुम गलती मानने की बजाय तुम मुसलसल बहस कर रही हो और बात मैं बढ़ा रहा हूं। मुझे छोड़ दें, दर्द हो रहा है। कोई मुझसे बदतमीजी या बहस करे मेरा खून खौल जाता है। अभी और इसी वक्त सॉरी करो मुझसे, वरना वरना क्या मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। बड़े खुशनसीब है भाई जो बच गए, वरना ऐसे केसेस में कम से कम 7 साल कैद या उम्र कैद की सजा होती है। ये जिस्म जान से अजीज रिश्ते इन्हें हमेशा बना के रखना। इसको बहुत समझाया कि गुस्सा ना करो, मगर ना समझ पाया। अब इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे अब इससे खुला लेनी है। या अल्लाह मेरी मदद करना, हिम्मत और हौसला अता करना मुझे कि मैं ये बड़ा कदम उठा सकूं। यार मैं तो अपने हक के लिए लड़ूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। उस प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ मेरा है यार, उसके ओरिजिनल पेपर सिर्फ मेरे पास है। यार उसके पास ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, वो बस अपनी जान पहचान पर शेर बन रहा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई उसकी। अब अगर मेरे रास्ते में आया ना तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा उसे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो, क्या हो गया माँ, कहाँ जा रही? बाहर जा रही हूँ। क्यों क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती, या उसके लिए भी मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? तुम उसे किस लहजे में बात कर रही हो माँ? For God's sake, मास, गुस्सा क्या सब तुम्हें ही आता है? मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई चीज बुरी नहीं लग सकती।
पहले तो तुम अपनी आवाज नीची करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऊंची आवाज से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हर चीज तुमसे रिलेटेड क्यों है? क्यों मैं हर चीज की जिम्मेदारी लूं कि तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुमने कभी ये जिम्मेदारी ली है कि तुम देखो कि मुझे क्या बुरा लगता है? बस नीची करो। मास तुम्हें अब फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? खुद को बदलना होगा। क्या मतलब? अपना गुस्सा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मुझे छोड़ दोगी तुम? हाँ मास, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपने गुस्से पे काबू भी ना पा सके। तुम मुझे क्या छोड़ोगी? मैं तुम्हें छोड़ता हूं अभी और इसी वक्त। यह हक सिर्फ मेरे पास है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। हाँ, मैं अपने होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या हुआ उसे? बात हुई तुम्हारी माँ से? बात तो हुई है। क्या कहा उसने? वही जो पहले कह के भेजा था। क्या क्या मतलब है यार? मैंने मौलवी साहब से जाके खुद कंफर्म किया है। अगर एक ही वक्त में तीन बार तलाक दे दी जाए तो वो एक ही तलाक काउंट होगी, और उसके बाद अगर शौहर चाहे तो वो बीवी से रुजू कर सकता है। और अगर वो ना आना चाहे तो? क्यों वो क्यों नहीं चाहेगी आसिम? जब हमारा मजहब हमें दूसरा मौका दे रहा है तो क्यों? भाई आपका मजहब देता होगा दूसरा मौका, पर जरूरी नहीं जिंदगी दूसरा मौका दे। क्या बातें कर रहे हो यार? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा हूं जो भाभी ने मुझे कह के भेजा। ये बात मैं मां को और उसके पेरेंट्स को साबित कर सकता हूं कि हमारी तलाक नहीं हुई है। अगर ऐसा है भाई तो भाभी ने ये भी कहा है कि वो आपसे खुला ले लेंगे। वो आपको दूसरा मौका नहीं देना चाहती। क्या बकवास है यार? मैंने जो कुछ भी उसे कहा था गुस्से में कहा था। इसीलिए गुस्सा हराम है भाई, ये शैतान की तरफ से होता है और गुस्से में इंसान कभी अकल से काम नहीं लेता। मुझे समझाने की बजाय जाओ जाके अपनी भाभी को समझाओ यार। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे भाभी को तीन बार मनाने गया, लेकिन जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या फायदा जबरदस्ती का? यार आसिम एक बार, यार एक बार मेरे कहने पे यार जाके उसे उसे कह के यार मुझसे मिल ले यार, मैं उसे मना लूंगा। मैं प्लीज आखिरी बार वो मुझे मौका दे दे यार, प्लीज। सॉरी बन, मैं इससे ज्यादा आपकी और मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूँ, और प्लीज इस मशवरे पे अमल भी कीजिएगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है और रिश्तों को निभाना है तो खुदा का वास्ता भाई गुस्से को पीछे छोड़ दें। इंसान को तन्हा कर देता है भाई, कहीं का नहीं छोड़ता। ये जिस्म और जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम मौला, रखना भरम।